बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फहीम भट्टी। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फहीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। प्यारे व्यूवर्स, आज की इस वीडियो के अंदर सैमसंग का मोबाइल जो है उसका हम रिव्यू करेंगे। मार्केट के अंदर बहुत टाइम बाद जो है सैमसंग ने अपना कोई मोबाइल जो है लॉन्च किया है, वो है सैमसंग का A14। तो प्यारे व्यूवर्स, सैमसंग जो है अब थोड़ा सा जो है अपग्रेड हुआ है। उसने किया क्या है, अपने इस मॉडल को जो है थोड़ा सा बड़ा बनाया है। यानी कि जिस तरीके से आप टेक्नो के या इन्फिनिक्स के सेट ले लें, उस हिसाब से जो है इन्होंने अपने सेट को थोड़ा सा बड़ा किया है। वो तो फाइनली सैमसंग ने जो है इस मोबाइल के अंदर जो है इसका साइज़ है वो 6.6 इंच रखा है। यानी कि जिस तरीके से बड़ा मोबाइल होता है, आप जो है टेक्नो या इन्फिनिक्स मोबाइल के जो है बल्कि मोबाइल होते हैं, बड़े मोबाइल, उस तरीके से जो है इस मोबाइल को उन्होंने रखा है। अगर इसकी हम शेप की बात करें तो इसके अंदर जो है आपको बैक जो है इसकी प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है और एक शाइनिंग वाला इसका लुक दिया लुक जाता है। बैक के ऊपर आपको 3 लेंसेज देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको जो है 3 कैमरे और जो है 1 फ्लैश लाइट जो है देखने को मिल जाती है। अच्छा, अब जो है सैमसंग जो है अपनी जो मोबाइलों की तकरीबन लुक दे रहा है वो S23 Ultra या S22 Ultra, इस तरह की जो है इन्होंने अपने मोबाइल की अब शेप देना जो है शुरू कर दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। अगर डिस्प्ले की हम बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 6.6 इंच का जो है इसका डिस्प्ले है और PLS LCD इसके अंदर जो है सैमसंग ने यूज़ की है। 90 GHz रिफ्रेश रेट Full HD देखने को आपको मिल जाता है और एक अच्छा, मतलब जो है इतना ख़ास भी नहीं कि यार मैं कहूँ कि यार ये बहुत ही ज़्यादा कोई जो है अच्छा इन्होंने डिस्प्ले दिया है, लेकिन एक जो है एवरेज यानी कि नॉर्मल जो डिस्प्ले होता है और ना ही ज़्यादा बुरा ना ही ज़्यादा अच्छा जो है इन्होंने यूज़ किया है। इस मोबाइल की अगर मैं वज़न की बात करूँ तो वो आपको तकरीबन देखने को मिल जाएगा 200 ग्राम। और अगर मैं इसकी लुक की मज़ीद बात करूँ तो उसके अंदर जो है इन्होंने जो है थोड़ा सा जो है मोटा, एक होता है ना स्लिम सेट, वो नहीं, इन्होंने थोड़ा सा जो है हैवी यानी कि मोटा सा जो है इस मोबाइल को बनाया है, लेकिन लुक वाइज फिर भी बहुत बेहतर है। इस डिवाइस के अंदर आपको जो है 4 GB 128 GB और उसके साथ 6 GB 128 GB के साथ जो है आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। और इसकी खास बात यह कि अगर आप 4 GB वाला मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर जो है 4 GB+4 GB एक्सटेंडेबल जो है रैम आपको देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से अगर 6 GB वाली डिवाइस आप खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको जो है 6+6 जो है रैम आपको एक्सटेंडेबल मिल जाती है। तो ये पाकिस्तान के अंदर फाइनली जो है आ चुका है, इसकी लाट पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है और ये जो है विथ नैम के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएगा 4 GB 128 GB, 6 GB और 128 GB रूम के साथ। अब मैं इसकी बात करता हूं चार्जिंग की। चार्जिंग के अंदर जो है इसकी एक खामी भी बताऊंगा। चार्जिंग के अंदर वैसे तो इसकी वो खामी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ये खामी समझा जाता है। वो क्या है, इसके अंदर जो है टाइप सी की केबल दी गई है और टाइप सी जैक के साथ साथ जो है इसके अंदर जो केबल आप देखने को मिलेगी वो टाइप C टू टाइप C। यानी कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एक तरफ जो है USB स्लॉट होता है और दूसरी जब चार्जिंग जैक यानी कि टाइप C या 8600 जो भी होता है वो होता है, लेकिन इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा टाइप C टू टाइप C डेटा केबल। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कि यार मेरे पास तो ये जो है चार्जर मौजूद भी नहीं है, तो आपने करना क्या है कि फिर आप अपने पुराने जो है टाइप सी के चार्जर के साथ मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इसका जो है आप ओरिजिनल चार्जर लेने के बाद जो है उसके बाद ही इसी केबल के साथ अगर इसको यूज़ करेंगे तो बेहतर जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, मेरी नज़र में इस मोबाइल की एक जो सबसे ज़्यादा बुराई है और वो ये होता है ना कि यार ये कंपनी जो है सिर्फ अपने पैसे बचाने के चक्कर में जो है एक के पीछे एक चलती है। यानी कि जिस तरीके से आईफोन, यानी कि आईफोन तो एक नाम है, एक ब्रांड है और आप लोगों को पता है कि यार वो इसकी क्वालिटी और सैमसंग की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का भी फ़र्क है। अब इन्होंने किया क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए इस मोबाइल के अंदर से शू यानी कि चार्जर ख़त्म कर दिया है। ये बहुत ही बड़ा मेरे ख्याल में जो इन्होंने ब्लंडर मारा है। पाकिस्तान के अंदर जो है आपको पता है वैसे ही रेट जो है आसमानों को छू रहे हैं और उसके बाद जो है इस तरह की मजीद हरकतें करते हैं, तो उस मोबाइल के क्या होता है कि इतने ज्यादा नहीं वो जो है मोबाइल सेल होते। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या है कि मोबाइल के अंदर से चार्जर खत्म कर दिया है, सिर्फ आपको जो है एक डेटा केबल देखने को मिलेगी वो भी टाइप C टू टाइप C। अच्छा जी, मेरी नजर में तो ये इस मोबाइल की खामी है। जाहिर सी बात है आपको ये बुरा लगा होगा, सुन के भी बुरा लगा कि यार ये क्या बात हुई कि चार्जर ही जो है इन्होंने अपने मोबाइल में से निकाल दिया है, शू यानी कि केबल दिए सिर्फ और शू नहीं दिया। अच्छा जी, अब मैं इसकी बात करता हूं आगे। इस मोबाइल के अंदर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा वो है MediaTek का प्रोसेसर, इन्होंने यूज किया 6769 है, जो कि हेलियो G80 प्रोसेसर है, गेमिंग प्रोसेसर है, मतलब कि आप जो है किसी हद तक अच्छा जो है गेमिंग रिजल्ट आपको ये मोबाइल देगा। तो व्यूअर्स, बात करता हूँ इसकी बैटरी की। बैटरी इसके अंदर अच्छी बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, 5000 mAh की बैटरी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन चार्जिंग इन्होंने जो है इतनी फास्ट इस मोबाइल की नहीं रखी, 15 वाट की जो है चार्जिंग स्पीड आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं इसके कैमरे की। कैमरे का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त, आपको पता है सैमसंग के जो है अपने कैमरे ये अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका बैक कैमरा है, जो कि आपको 2 लेंस के साथ जो है 50 MP का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की तो वो आपको 16 MP
मेगापिक्सल का जो है अच्छा कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अच्छा कैमरा अच्छा है, हर चीज अच्छी है, लेकिन मुझे जो इसकी बुराई लगी है वो ये कि यार पाकिस्तान के आपको पता है डॉलर के रेट कहां से कहां चले गए। इस मोबाइल के प्राइस जो है इस वक्त पाकिस्तान में होने चाहिए थे तकरीबन 35 से 40 हज़ार के दरमियान, ठीक है 35 हज़ार यानी 36, 37, 38 हज़ार इस तरीके से जो है इस मोबाइल के प्राइस होने चाहिए थे। लेकिन पाकिस्तान के हालात की वजह से अब जो इसके प्राइस हैं वो है आपको देखने को मार्केट में, ये जो अगर आप ये मोबाइल लेने जाते हैं मार्केट के अंदर आपको मिलता है 67,000 का, 4GB 128GB आपको मोबाइल आपको ये मिलेगा तकरीबन 67,000 का। अगर आप लेते हैं 6GB रैम के साथ 128GB रोम के साथ तो वो आपको तकरीबन मार्केट के अंदर 74 से 75 हज़ार रुपये का आपको मार्केट से मिलेगा। अच्छा मजीद एक अपडेट के बारे में हम बात करते हैं, वो ये है कि सैमसंग ने जो है एक मजीद अपडेट किए, वो ये किए कि होता क्या है कि अगर हमारे आईफोन यूज़र जो है मोबाइल जब नया लेते हैं तो उनके लिए बड़ा इशू होता है डेटा ट्रांसफ़र का, लेकिन अब परेशानी की बात नहीं है, सैमसंग ने जो है अपने आप को अपग्रेड किया है और अगर आपका डेटा आईफोन के अंदर है तो आप सिंपली जो है एंड्रॉयड यानी कि इस सैमसंग के मोबाइल के अंदर आसानी जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आपको जैसे ही आप जो है सेलिब्रेशन करते हैं मोबाइल को ऑन करते हैं तो वहीं पर आपको ऑप्शन नजर आ जाता है कि आपने जो है ISO के अंदर जो है अपना डेटा ट्रांसफर करना है या एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड करना है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी सैमसंग ने हल कर दी है, आईफोन यूजर के लिए ये एक बहुत गुड न्यूज़ है। तो प्यारे व्यूअर्स बात करते हैं इसके कलर की, तो आपको 3 कलर्स जो है इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक, सिल्वर और लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन और सिल्वर कलर बहुत ही ज़बरदस्त कलर है, मुझे अच्छे लगे, अट्रैक्टिव कलर है और लश्कारे मारता है ये मोबाइल। तो प्यारे दोस्तों ये हमारा आज का मोबाइल सैमसंग A14 का रिव्यू, यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अपनी दुआओं में अपने भाई को बहुत याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।